नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 29 नवंबर। आज भी हम इस वीडियो के दौरान गिव अवे 4 के सवाल पूछेंगे, तो गिव अवे को पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने और देखें। तो आइए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। 50 पार कर चुके लोगों को अब मिलेगा मुफ्त में चश्मा, आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने 50 पार कर चुके लोगों की आंखों का धुंधलापन दूर करने के लिए अहम निर्देश जारी किया है। जारी किए गए निर्देशानुसार अब 50 पार कर चुके सभी गरीबों को समाज कल्याण विभाग मुफ्त में चश्मा मुहैया करवाएगा। आपको बता दें, बिहार सरकार ने गरीबों को मुफ्त में चश्मा देने की मुहिम में मुख्यमंत्री उज्ज्वला दृष्टि अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत जल्द ही अब हर प्रखंड में बुनियादी केंद्रों का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी इस योजना के शुभारंभ की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज ने प्रोफेसर पद के लिए निकाली रिक्तियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज ने विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए 183 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री और उम्मीदवार ने UGC और CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्लियर किया होना अनिवार्य होगा। वहीं ST, SC और OBC को मास्टर्स डिग्री में 5% अंकों की छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर तक www.colrec.du.ac.in या फिर www.ramjas.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। NRC मुद्दे पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में NRC का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। हर कोई NRC मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करने में लगा हुआ है। नेतागण अपना पक्ष तो साफ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों के पक्ष को भी सामने रख रहे हैं। विपक्षी नेताओं के इन्हीं अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगाते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान यह साफ कह दिया है कि NRC मुद्दे पर अभी जदयू का स्टैंड तय नहीं है। हम पार्टी के अंदर इस मामले पर सोच विचार कर रहे हैं। मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला 102 एकड़ जमीन। बिहार सरकार ने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के लिए 102 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है, जिसके पश्चात इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, भू अर्जन पदाधिकारी पूर्वी चंपारण और विश्वविद्यालय के OSD एडमिन डॉक्टर पद्माकर मिश्र ने हस्ताक्षर कर इस बात की पुष्टि की है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह कहा है कि सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विद्यालय के विकास में तेजी आएगी। GST में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। बिहार सरकार जल्द ही लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है, क्योंकि अब सरकार गुड्स एंड सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन प्रावधान में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत बुधवार को विधान परिषद में 22वां बिहार वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2019 पारित किया गया है, जिससे कि अब 40 लाख तक के कारोबार का कोई GST रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होगा। IPS अधिकारी विकास वैभव ने UPSC एग्जाम को लेकर परीक्षार्थियों के सवालों के दिए जवाब। पटना कॉलेज में आयोजित एक टॉक शो में IPS विकास वैभव ने UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले कैंडिडेट के सवालों का जवाब दिया। दरअसल UPSC में कैसे अच्छे नंबरों से पास हो सके, इसके लिए मेधा फाउंडेशन के द्वारा इंडस्ट्री टॉक शो का आयोजन किया गया था, जिसमें DIG विकास वैभव चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। आपको बता दें, विकास वैभव ने परीक्षार्थियों से बातचीत की, साथ ही साथ उनके हर सवाल का जवाब भी दिया। विश्व व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को मिला गोल्ड मेडल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित व्यापार मेले में लगातार 5वीं बार बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पिछले 38 सालों से आयोजित हो रहे इस व्यापार मेले में बिहार के बेहतरीन डेकोरेशन के लिए साल 2014, 2015, 2016 और 2018 में भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया गया था। सस्ते सब्जी के लिए खोले जाएंगे 150 आउटलेट्स। सब्जियों की बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में आम लोगों को सही रेट पर सब्जी मुहैया करवाने के लिए 5 जिलों में 3 सालों में करीब 150 रिटेल आउटलेट्स खोले जाने का फैसला लिया गया है, जिनमें पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय प्रमुख जिले होंगे। वहीं पटना में रिटेल आउटलेट खोलने के लिए नगर निगम ने बिहार सरकार से जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इन रिटेल आउटलेट्स को खोलने का प्लान इसीलिए बना रहे ताकि सब्जी उत्पादकों को उत्पादन का सही मूल्य पर मिले, साथ ही साथ सब्जी क्षेत्र में प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था में भी सुधार हो। वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर हो बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय, उक्त मांगे भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में की है। उनका कहना है कि गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के शोध कार्य का उल्लेख करते हुए उनके नाम पर बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से लोग उनकी निस्वार्थ कार्यों के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से सम्मानित करने में जुटे हुए हैं। सुशील मोदी ने जगदानंद सिंह पर कसा तंज। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद द्वारा जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए यह कहा है कि लालू यादव ने 22 साल के अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान नहीं सौंपी है। ऐसे में अभी के राजनीतिक स्थिति को देखते हुए राजद का जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाना मजबूरी है, मंजूरी नहीं।
आंगनबाड़ी सेविकाएं अब सिर्फ स्वास्थ्य गतिविधियों में होंगी शामिल। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के चुनाव और सर्वेक्षण जैसे कार्यों में सम्मिलित होने पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी सरकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को यह सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी आंगनबाड़ी सेविकाएं अब किसी भी तरीके के अन्य कार्यों का हिस्सा नहीं बनेंगी, बल्कि अब सभी सेविकाएं बस स्वास्थ्य गतिविधियों पर ही ध्यान देंगी। शादी का कार्ड लेकर प्याज खरीदने पहुंची महिला। इन दिनों प्याज के बढ़ते कीमत ने हर किसी के रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में विस्कोमान ने लोगों को आधे दाम में प्याज मुहैया करवाने की पहल की है। आधे दाम में प्याज की आपूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा ही मंजर पटना के विस्कोमान में देखने को मिला, जहां प्याज के बढ़ते दाम से परेशान होकर शादी का कार्ड लेकर एक महिला 50 किलो प्याज खरीदने पहुंची। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। अजीत अंजुम का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 7 अप्रैल 1969 में हुआ था। अजीत अंजुम ने अपने स्नातक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से पूरी की। अजीत ने न्यूज 24 और इंडिया टीवी जैसे न्यूज चैनलों में प्रबंध संपादक के रूप में काम किया है। कुछ समय के लिए उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष में सलाहकार संपादक के रूप में भी काम किया था। 2010 में बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग के लिए अजीत को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके योगदान को देखते हुए फेम पत्रिका ने 2016 में किए गए अपने सर्वेक्षण में बिहार के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में उनका उल्लेख किया था। शीतकालीन सत्र में राजद ने किया कार्यस्थगन प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राजद ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव जारी किया है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक ट्वीट से इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राजद ने आज बिहार विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। बिहार के करोड़ों युवा इस समय बेरोजगार है, लेकिन अवसरवादी नीतीश सरकार युवाओं की समस्या पर विमर्श ही नहीं करना चाहती है। बिहार के राजगीर में सोन भंडार में आपको यह सब देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के राजगीर जिले के सोन भंडार की। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान पर प्राचीन काल में जरासंध का सोने का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छुपा है और पर्वत के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा है। सोन भंडार नामक यह गुफा राजगीर के विभारगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,310 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,310 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,150 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.42 रुपए प्रति लीटर था। पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर की रणनीति रंग लाई। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में टीएमसी की तीनों सीटों पर जीत में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी बराबर की भागीदारी है। तीनों सीटों पर मिली इस जीत की जरूरत इस वक्त टीएमसी को थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं भाजपा अपना पैर पसारने में सफल होता जा रहा है, वहीं टीएमसी पीछे की ओर जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी तीनों सीटों पर टीएमसी की दावेदारी सुनिश्चित करवाने का जिम्मा बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे ही नहीं, हर राजनीतिक पार्टी प्रशांत किशोर की कायल होती है। मुख्य चयनकर्ता ने कहा, धोनी बनने की कोशिश ना करे पंत। लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे ऋषभ पंत पर भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद का मानना है कि ऋषभ पंत खुद को एमएस धोनी का उत्तराधिकारी मानकर अपने ऊपर गैर जरूरी दबाव बढ़ा रहे हैं और उन्हें ये सब भूलकर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। जहां तक दबाव की बात है तो पंत को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि खेल के स्तर पर दबाव रहता है और जो इस दबाव को झेल लेता है वही वास्तविक चैंपियन बनता है। बिहार के राज्यपाल पहुंचे दरभंगा। बिहार राज्यपाल फागू चौहान दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने आचार्य के टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिए। ज्ञात हो, आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान के साथ शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद भी मौजूद दिखे। राज्यपाल फागू चौहान दरभंगा में करीब 3 घंटे तक ही रुके, जिसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए। अंगिका महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी से भागलपुर में होने वाले अंगिका महोत्सव की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत 2 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी से होगा। इस बाबत कुमार कवित एंड टेस्ट सीरीज परिसर में महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति के अध्यक्ष कैलाश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, 2 दिवसीय होने वाला यह महोत्सव 1 फरवरी को वृंदावन विवाह भवन परिसर में आयोजित होगा। अपेक्स चुनाव के तहत बक्सर के कई उम्मीदवारों ने किया नामांकन। अपेक्स चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क का भी बराबर हिस्सा बन रहे हैं। वहीं बक्सर जिले में अपेक्स चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी क्रम में बक्सर के हरपुर जयपुर अपेक्स अध्यक्ष पद के लिए उमाशंकर सिंह ने नामांकन पत्र अब जाकर दाखिल किया है।
प्याज की कीमत पर कांग्रेस एमएलसी ने रामविलास पासवान पर कसा तंज। इन दोनों महंगाई एक अहम परेशानी का कारण बनी हुई है। साग सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, वहीं ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी कम नहीं हो रही है। विपक्षी नेता सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि जनता के कल्याण के लिए रामविलास पासवान ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड के इस मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। परिणाम के 34 दिनों के बाद महाराष्ट्र को मिल गया उसका नया मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर आखिरकार पूर्ण विराम लगा दिया गया। परिणाम के 34 दिनों के बाद महाराष्ट्र को एक स्थिर राजनीति मिल गई है। भले ही यह राजनीति विपरीत विचारधाराओं वालों को मिलाकर बनी हो, मगर शिवसेना इस फैसले से बेहद संतुष्ट और खुश है, जिसके पश्चात शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण कर लिया है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को अपने अंदाज में दी बधाई। राजद परिवार में जारी खींचतान पर पर्दा डालते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने अलग अंदाज में नवनिर्वाचित राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जगदानंद बाबू हमारे चाचा है, हम दोनों भाई उनकी गोद में खेले हैं। जब ऐसी अटकलें आने लगी कि जगदानंद बाबू को राजद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, तो मैंने उन्हें फौरन फोन किया, घर बुलाया और दूध भी पिलाया। अब आइए जानते हैं गिव अवे 2 के विनर के बारे में। गिव अवे 2 के लिए पूछे गए सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गिव अवे 2 के विजेता के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा 5000 लाइक्स के क्राइटेरिया को आप सब ने पूरा ही नहीं किया, बल्कि हमारे वीडियो को 5500 लाइक्स किए हैं, जिसके लिए हमारी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर 27 नवंबर का वीडियो दिखाया जा रहा है, जहां से अब हम लिंक को कॉपी करेंगे। इसके बाद इस लिंक को हम यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर पर जाके पेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर पर हमने आकर के यहां पर अपने लिंक को पेस्ट कर दिया है, जिसके बाद से यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर आपके कमेंट्स को लोड करेगा। आपको बता दें टोटल 766 कमेंट आए थे। अब हम यहाँ रैंडम पिक विनर के बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद से हमें YouTube रैंडम कमेंट पिकर विनर के नाम की घोषणा कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोतिहारी जिले के मंजय कुमार का नाम YouTube रैंडम कमेंट पिकर ने पिक किया है, जिन्होंने अपने जिले का प्याज का दाम 90 रुपए प्रति किलो बताया था। मंजय कुमार को हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं गिव अवे 4 के सवाल की तरफ। आपकी नजर में ऐसे मशहूर शख्सियत का नाम बताएं जिसने बिहार का नाम सबसे ज्यादा रोशन किया है। गिव अवे 4 के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप गिव अवे 4 के हकदार तभी हो सकते हैं जब आप हमारी वीडियो पे 5000 नहीं बल्कि 5500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। ध्यान रहे, लाइक्स के साथ साथ कमेंट भी जरूरी है, क्योंकि कमेंट के आधार पर ही हम गिव अवे 4 के विनर की घोषणा करेंगे। अपना प्यार बनाए रखें और आज के वीडियो को 5500 लाइक तक पहुंचाएं और 16 GB पेन ड्राइव के हकदार बन जाएं। धन्यवाद।